लगता है आमना की तरह तुम्हें ना एक डोज देना पड़ेगा। हल्के वो दिन ना हवा हो गए, समझी? अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? मैं तो कैसे भी नहीं मानूंगी। तो ये लो फिर। क्या लो? तुम लो। अब बोल ना। रशीद ये झूठ बोल रही है, मक्कारी कर रही है। रशीद तुम तो जानते हो कि मैं पहले झूठ बोलती थी तो धलल्ले से बोलती थी, लेकिन यकीन जानो सुधर जाने के बाद मैंने हमेशा सच ही बोला है। वाह भाई वाह, एक और नया ड्रामा। मुझे उस शख्स की तलाश है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो शुक्र है मैं जेल से निकल आया, वरना मैं सुन रहा हूं, बोलो। वरना आज भी मैं सलाखों के पीछे होता। वक्त ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। देखो तुबा, एक बात तो है, हम तो बुरे थे लेकिन तुम तो अच्छी हो ना। तुमने तो अनिला के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर तुम्हें तो जाना चाहिए था, तुम्हें क्यों लेके नहीं गए? अनिला बेटे, आज मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान खत्म कर दिया और दोबारा तुम अपना घर बसाने जा रहे। ऐसे ज्यादा दिन तो नहीं चल सकता, तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा। अगर मैं अपने घर पे नहीं गया तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना घर छोड़ दो। यहाँ की लाइफ एडजस्ट कर पा रही हो यहाँ पे? अभी तो सब कुछ बहुत नया है, टाइम लगेगा सब कुछ सीखने में। हाँ बिल्कुल, और फिर तुम्हें हमारे स्टेटस के मुताबिक भी तो खुद को डालना पड़ेगा ना। हम बस जाने के लिए तैयार हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। बात दरअसल ये बेटा कि इस वक्त हम इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं और आज रात की हमारी कनाडा की फ्लाइट है। ये लो, चुपचाप जल्दी नाश्ता करो, कोई देख नहीं ले। पता है ये वक्त मुझे हमेशा याद रहेगा। मैं करोड़पति माँ बाप का बेटा, कभी नहीं सोचा था कि इस तरह बैठ के यहाँ नाश्ता कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, हर इंसान की जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी ऊंच नीच तो आती रहती है, तुम दिल छोटा नहीं करो। और क्या करूं? क्या करूं क्या मतलब, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इस मामले को हल करो। मैं सारे मसले हल करना चाहता हूं आमना, पर कैसे करूं? मुझे नहीं पता कैसे हल करोगे, ये तुम्हारा सर दर्द है। मेरे तो सर में वाकई में दर्द होने लग गया है। अपने घर वालों को ले आओ, अब्बा मेरी शादी के मामले को लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं। नहीं तो तुम ये ले आओ वाली बात क्यों लगाए रखी हो यार, मतलब इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? तो क्या तुम इस मामले को लटका के रखना चाहते हो? मैंने ऐसे कब कह दिया तुमसे? तुम करो कुछ। फिलहाल तो मैं नाश्ता करता हूँ, फिर कुछ करता हूँ। ठीक है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे चाय के लिए, तुम जल्दी से नाश्ता करके चले जाना। सुनो वो दो बॉयल एग मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है, नाश्ते में वही खाता हूँ मैं। अच्छा मैं देखती हूँ। हाँ सुनो आमना, वो मैंगो जूस से अब एप्पल जूस मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। मैं अब्बा को भेजती हूँ, वो तुम्हारा जूस निकाल लेंगे सही से। नहीं नहीं छोड़ दो, मैं कर लूंगा। मैं आपको भेजती हूँ, चाय भी ठंडी, चल तेरा शुक्र है मेरे मालिक। हाँ सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था, लेकिन तुम क्यों नहीं आए? I miss you so much। हाँ आजकल तो बहुत कोई खुश चल रहा है।
भाई मैं तो खुशी हूँ क्योंकि इतने सालों बाद तुमने मेरे दिल में वो पुरानी यादें ताजा कर दी। आई मिस यू। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके। किससे बात हो रही है भाई? क्या पैसे वगैरह की बात हो रही है? पापा मैं बस उसी से बात कर रही थी। मगर तुमने तो कहा था कि डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दिए हैं, फिर यहाँ तक इतने अच्छे तरीके से बात करी हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। I was joking. मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी, she couldn't make it to the wedding. तो मैं उसको सब कुछ बता रही थी। फ्रेंड से? इतनी रोमांटिक? हाँ, वो थोड़ी रोमांटिक नेचर की है इसलिए तो उससे इसी तरीके से बातें करनी पड़ती है। देखो अलिश, अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, बिलीव मी। मैं नहीं चाहता हूं तुम माजी की गलतियां दोहराओ। That's all. ख्याल रखो, मिलते हैं शाम को। मैं भी कितनी स्टूपिड हूं, सिर्फ घर के बीच में बैठ के बातें कर रही हूं। देख के बात करनी पड़ेगी अब। मैडम, मैंने हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है मुख्तार, अल्लाह का बड़ा करम है। मैडम मुझे अब अकेले काम करने में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी। वो तो है। मुख्तार, तुम्हें पता चला कि अम्मी और पापा जा रहे हैं? जी मुझे पता है। तुम्हें पता था लेकिन फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। वो उन्होंने मुझे आपको बताने से मना किया था, आप दुखी हो जाएंगी। अच्छा, तो फिर क्या मैं अब दुखी नहीं हूँ? वो मुझे कुछ जिम्मेदारी दे के गए हैं। कैसी जिम्मेदारी? जैसा आपने मुझे कुछ जिम्मेदारी दी हुई है, इसी तरह वो भी मुझे कुछ जिम्मेदारी दे के गए हैं। किस चीज़ की? कि मैं उनके घर की देखभाल करूं और कोई मुनासिब किरायादार देख के उसको किराए पर चढ़ा दूं। हाँ मुख्तार, तुम हो ही इतने जिम्मेदार। जी, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। वैसे ये जो अंधेरे में देखने की ख्वाहिश है ना, इसका मतलब होता है कि इंसान अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता है कि आने वाले पल में उसके साथ क्या होने वाला है। जबकि इंसान को तो हमेशा मौजूदा पल में जीना चाहिए। One should always live in the present moment. हाँ, that's right. But इंसान जो है ना, वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं जीता है, हमेशा कल में जीता है। वो कल जो आने वाला है, वो कल जो गुजर गया है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा हाल हर हाल में आपके हाल से जुड़ा। वाओ मैडम, बहुत शायराना बातें कर रही हैं आप इस हाईवे पर। आने वाला पल, जाने वाला, हो सके तो इसमें जिंदगी बता दो। रूप, मेरी जान कैसी हो तो? ठीक हूँ। मेरा हाल नहीं पूछोगी मैं कैसा? क्यों, आपको क्या हुआ है अंकल? रूप, जी रशीद भाई, कैसे याद किया आपने? रियाज भी, मैं तो समझ रहा था कि शायद आप शाम को चक्कर लगाएंगे। सोचा तो मैंने यही था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ना जाने आपको क्या जरूरी बात करनी है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। अच्छा किया रियाज भाई, मैं भी बस आपसे बात करने के बाद शोरूम के लिए निकल जाऊंगा। अच्छा, तो क्या बात है? असल में रियाज भाई, मैं सोच रहा था कि हमें कारों का फ्लीट बढ़ा देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर देर किस बात की? इन्वेस्टमेंट की कमी है। देखिए, इसकी फिक्र आप बिल्कुल ना करें।
बस आपको जो भी कार पसंद आती है आप बस मुझे बता दें। थैंक यू रियाज भाई, आपने तो मेरे दिल का बोझ ही हल्का कर दिया। और सुनाए रशीद भाई, आपकी बेटी की शादी तो खैरियत से हो गई है ना? इसके लिए आपका शुक्रिया भी अदा करना है और आपसे एक शिकायत भी है। देखिए शुक्रिया तो आप रहने दें, लेकिन ये बताइए कि आपको शिकायत क्या है? जाहिर है आपने शिरकत नहीं की शादी में। इसका मुझे अफसोस रहेगा, दरअसल आपकी भाभी की तबीयत सही नहीं रहती, इसलिए मैं आ नहीं सकूं। क्यों, खैरियत क्या हुआ उन्हें? हाँ उन्हें शुगर की बीमारी है, कभी कभार शुगर बढ़ जाती है तो तबीयत सही नहीं रहती। अल्लाह खैर करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। आमीन। आमीन। अरे जल्दी कॉल लगा इजहार को और उसको बुला, ताकि तेरी और मेरी दोनों की जिंदगी आसान हो। अम्मा मैंने मैसेज भेज दिया है उसको। तौबा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन तू देखना मैं आगे आगे क्या करती हूँ। अच्छा तो तुम अब तक सुधरी नहीं? क्या मतलब? कि तुम अभी आमना से क्या कह रही थी कि आगे देखो क्या करती हूँ? अरे मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। अरे मैं वही तो पूछ रही हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या था। मैं तुम्हें बताना ना मुनासिब नहीं समझती और ना ही जरूरी। तुम्हें पता है ना मेरे सामने जबान दराजी करने का क्या नतीजा होता है? क्या नतीजा होता है? बस रहने दो, मैं तुमसे ना डरने वाली नहीं हूँ, समझी? अच्छा तो तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लगता? क्यों, तुम कोई चुड़ैल हो जो मैं तुमसे डरूं? अम्मी बाबू लगता है आमना की तरह तुम्हें ना एक डोज देना पड़ेगा। हल्के वो दिन ना हवा हो गए, समझी? अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी? मैं तो कैसे भी नहीं मानूंगी। तो ये लो फिर। क्या लो? तुम लो। अब बोल ना, बोल। क्या समझी थी कि मैं सीधी हो गई, अल्लाह वाली हो गई तो तू मेरे घर पर कब्जा कर लेगी? कब्जा तो तेरा बाप भी नहीं कर सकता। अच्छा हाथ तो छोड़ दे, मेरी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दर्द, और तुझे दर्द दूंगी मैं। तू क्या समझ रही थी मैं तेरा जीना मुहाल कर दूंगी? अब जिस तरह मैं कह रही हूँ तुझे उस तरह चलना होगा। हाँ चुपता नाम है मेरा। वाह माँ, तुम तो पुरानी वाली अम्मा के रूप में आ गई। ये ना, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा तूने तो हमारे साथ बहुत अच्छा किया है ना। मैं देख लूंगी तुम दोनों को। क्या देखेगी बोल, क्या देखेगी? बर्दाश्त की ना एक हद होती है, अब जब बर्दाश्त हद से बाहर हो जाए ना तो फिर मुझे पता है किसको किस तरह चलाना है। सुन लिया मैंने क्या कहा? और आज के बाद मेरी बेटी पे हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचना, समझी? शगुफ्ता मेरा ये मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब था, बड़ी आई मुझे मतलब समझाने वाली। देखते हैं, वैसे ना रशीद को मेरी बातों पे ज्यादा भरोसा है। अब देखते हैं, वो तो वक्त बताएगा कि रशीद को किसकी बात पर कितना भरोसा है। अच्छा तो इसका मतलब है मुकाबला शुरू हो रहा है। तेरा और मेरा किस बात का मुकाबला बीबी? हाँ तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तौबा तौबा, इतना सबक मिलने के बाद भी ये हाल है तुम्हारा। सबक ही तो मिला मुझे, देखो ना ये सबक मिला है मुझे। और जब सबक याद हो जाता है ना तो पता है फिर क्या होता है? फिर होता है इम्तिहान। इम्तिहान का फिर निकलता है नतीजा। जैसे ये निकला नतीजा, आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ बीबी और तेरे सीने पे मूंग डाल रही हूँ, समझी? निकल जाते। अल्लाह मोटी, अभी तुझे हाथ लगा के दिखाए। अरे तूबा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या तकलीफ है? रो नहीं तो और क्या करूं, इतनी तकलीफ हो रही है बाजू में। क्या हुआ, क्यों है तकलीफ तुम्हें? आपकी उस मोटी बीवी शगुफ्ता ने इतनी जोर से मेरा बाजू मरोड़ा है। शगुफ्ता ने? ये क्या किया शगुफ्ता ने, और तुमने क्या जवाब दिया उसको? मैं क्या जवाब देती, मैं जबान तो चला सकती हूँ लेकिन हाथ चलाना मेरे बस में नहीं, और वो मेरे मुकाबले में इतनी जानदार भी तो है। मैं तो हैरान हूँ कि शगुफ्ता की इतनी हिम्मत कि वो हाथापाई पर उतर आई है, जबकि अब तो उसके हाथ में तस्बीह होती है। रशीद वो सिर्फ अच्छे बनने का ड्रामा कर रही है, मुझे तो अब उससे डर लगने लगा है। नहीं नहीं तुम डरो मत,
मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रशीद, आप उसको ना अच्छी तरह समझा दें कि आइंदा हाथापाई ना करे मेरे साथ। जबान से जितना लड़ना है लड़ ले, लेकिन आइंदा मुझ पे हाथ ना उठाए। हाँ हाँ, तुम मत रो, मैं उसे समझा दूंगा, मैं उससे बात करूंगा। करूंगा नहीं, अभी करें। इतनी जोर से उसने मेरा बाजू मरोड़ा है, इतनी तकलीफ हो रही है मुझे। हद हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से। उसकी फितरत है अपनी बात मनवाना, बहुत जिद्दी औरत है। हर बार दरगुजर करता रहा हूं, लेकिन अब नहीं, बस बहुत हो गया। आओ तुम मेरे साथ, चलो उठो, शाबाश। आराम से, छोड़ेगा नहीं उसको, बता रही हूं मैं आपको। परेशान शगुफ्ता जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे क्या पता इसने मेरे बारे में क्या क्या कहकर आपके कान भरे। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि अब तुम खुल्लम खुल्ला बदमाशी पर उतर आई हो। तूबा, जब अल्लाह ने मुझे हिदायत दे दी है तो तुम मुझ पे इल्जाम तराशी क्यों कर रही हो? क्या मैं इल्जाम तराशी कर रही हूँ? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अब इस घर में रहूं? क्या हो गया शगुफ्ता, इसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। नहीं नहीं, अगर इसे मेरा इस घर में रहना बुरा लगता है तो मैं चली जाती हूँ ना कहीं भी। क्या हो गया शगुफ्ता, तुम कैसी बातें कर रही हो? रशीद, ये झूठ बोल रही है, मकारी कर रही है। रशीद, तुम तो जानते हो कि मैं पहले झूठ बोलती थी तो धड़ल्ले से बोलती थी, लेकिन यकीन जानो सुधर जाने के बाद मैंने हमेशा सच ही बोला है। वाह भाई वाह, एक और नया ड्रामा। मैंने तो सब ड्रामों से तौबा कर ली है। जब मैं झूठ कहते हुए नहीं डरी तो अब सच कहते हुए क्यों डरूंगी? तुम देखो ना रशीद। पता नहीं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तू बस तुम ही थोड़ा ख्याल कर लिया करो। रशीद, मैं तो हर तरह से ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ। देखो, मैं नहीं चाहता कि जब मैं घर आऊं तो घर में चिक 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 हो रही हो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, मेरे लिए चाय भिजवाओ। आमना। आमना की नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। रशीद, रशीद, ये तो अभी से डर गई। खैर, मुझे क्या। That's not fair यार, तुम आए फिर भी घर पर नहीं आए। अरे अंकल, मैं नेक्स्ट टाइम आपकी तरफ जरूर विजिट करूंगा, बल्कि मैंने भाभी से भी मिलना है और अधील को भी तो मुबारकबाद देनी है। मेरे बिजनेस की वजह से कुछ रुकावटें आई हुई थी, अब वो सब रुकावटें दूर होने लगी हैं और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुम एक हफ्ते में हमारे घर नहीं आओगे ना, तो मैं बंदे भेज के बुलवा लूंगा तुम्हें और तुम्हें हमारे ही घर पे रहना होगा। जी अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं यार, यकीनन। अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। ये हुई ना बात। अंकल, आज के दौर में जब अपने अपनों के नहीं रहे, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, आपके निशानों का बदला कैसे उतारूंगा? कोई एहसान वहसान नहीं यार, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। That's it. ये क्या हो रहा है इस घर में? एकदम से काया कैसे पलट रही है? ये शगुफ्ता आखिर क्या नया तमाशा खड़ा करना चाह रही है? मैं तो बहुत बुरी फंस जाऊंगी। वो दो हैं और मैं एक, कहीं मिलकर मुझे दबा ना लें।
मुझे इस बारे में रशीद से खुलकर बात करनी पड़ेगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये दोनों मुझ पर अपना हुक्म चलाएं? रशीद तो यहां मुझे मेरा हुक्म चलाने के लिए लाए थे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं रशीद से बात करती हूं। हाँ ओके ठीक है, नहीं जल्दी मिलते हैं। ओके बाय। आदि तुम कहाँ कूदते फिर रहे हो? आज के दिन में तुम्हें चैन नहीं है? कुछ नहीं यार, जरूरी काम था। अच्छा बाय द वे तुम मुझे बताओ, तुमने कहा था तुम्हारे कॉलेज का कोई फ्रेंड आने वाला है शादी में, नहीं आया वो? वो आना चाहता था लेकिन उसको इस्लामाबाद से कोई फ्लाइट ही नहीं मिल रही। अपेरेंटली ऑल फ्लाइट्स आर कैंसल्ड। ओके वैसे सिर्फ दोस्त है या कुछ और भी? हाँ फिलहाल तो सिर्फ दोस्ती है। आई होप ऐसा ही हो, और अगर दोस्त से बढ़कर हुआ तो? आदि अगर बढ़कर हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगी। लगता है दाल में कुछ काला है। ये कहो कि पूरी दाल ही काली है। ओके बट प्लीज इस बार सोच समझ के फैसला करना, पहले की तरह जज्बाती होकर नहीं। आदि वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, पहले तजुर्बे से मैंने बहुत कुछ सीख लिया। दैट्स गुड, अब अगर सीख लिया तो इसे अप्लाई भी करना। तुम फिक्र मत करो, और अगर कोई उलझन भी हुई तो तुम हो ना मशवरा देने के लिए। ऑफ कोर्स मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बाय द वे ये अनिला कहाँ है? लास्ट टाइम मैंने देखा था किचन में थी, शायद अपने रूम में होगी। हाँ, उसके भी लगता है यही दो ठिकाने रह गए ढूंढने के लिए। देखता हूँ मैं, सी यू। मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा। क्या बात है, आज बड़े मूड में लग रहे हो तुम। साहब जी आपको पता है मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई है। तुझे क्या टेंशन होती है यार? साहब थोड़ा बहुत इंसान तो मैं भी हूँ। वो ही पूछ रहा हूँ ना, ये क्या टेंशन रहती है? अरे मालिक सबसे बड़ी टेंशन तो मुझे खाना पकाने की थी, यही सोच खाया जा रही थी क्या पकाऊं क्या बनाऊं। ये तो हर घर की टेंशन है, ये क्या टेंशन हुई? हाँ मालिक, और जैसा खाना मैं बनाता था उसका स्वाद तो आप सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, है ना? ओए अब वो बुरे दिन याद मत दिला मुझे। हाँ मालिक मैं भी वो बुरे दिन भूलना चाहता हूँ। अब तो तुम्हें खाने की टेंशन से आजादी मिल गई है ना? हाँ ना साहब, ये खाना पकाने वाली टेंशन तो मेरी बेगम साहिबा ने दूर कर दी। कसम से अब उनके हाथ के खाना खाता हूँ ना तो मेरा हाजमा भी बिल्कुल फिट हो गया। अनिला के आने से तो ये घर ही बदल गया है, क्या ही बात है उसकी। जी मालिक मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब है उसके खाने की क्या बात है? ओ हाँ ये बात तो है साहब। अच्छा चलो बातें छोड़, काम पे ध्यान दे। मेरा यार पिंडी दा, दिलदार पिंडी दा, सोना मन ठार पिंडी दा, मेरा यार पिंडी दा। जी मुख्तार कहिए। सर मैं ये पूछना आया था कि आपको खाने में कोई शिकायत तो नहीं है? सच्ची बात तो यह है कि शिकायत तो कोई नहीं है, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल खाने का जायका बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। वैसे सर मैडम के हाथों में तो कुदरती जायका है, लेकिन हमने मैडम की बताई हुई रेसिपी के मुताबिक ही खाना बनाते हैं। मैंने कहा ना नॉट बैड। और वैसे भी शेफ चेंज होने से फर्क तो पड़ता है। वो तो है, वैसे मेरा मशवरा मानो तो तुम कॉन्टिनेंटल पर भी तवज्जो दो। जी सर हम काम कर रहे हैं। और हाँ मैंने 3 और ऑफिसेस को तुम्हें रेफर किया है, जिसमें से एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है शेरियार, ही विल कॉल यू बैक। शुक्रिया सर। तुम रिसेप्शन से इनके कार्ड लेकर रब्ता कर लेना। एनीथिंग एल्स? सर वो मेरा चेक। ओ हाँ आई गेस तुम्हारा चेक रेडी है, अकाउंट से मालूम कर लो। ठीक है मैं देख लूँ। थैंक यू। यू वेलकम।
ये तुम इतनी देर से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे यार आमना, तुम्हें बताया है कि जब कोई मेरे साथ होता है तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हारे अम्मा अब्बा का कुछ अता पता है या नहीं? अम्मा अब्बा ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की थी हाँ, पर मैंने कोई रब्ता नहीं किया उनसे। क्यों नहीं किया? तुमने शादी करनी है या नहीं? नहीं यार, शादी तो तुमसे ही करूंगा ना। एक बात बताओ, ये दो दिन से तुम कहाँ गायब हो? ना खाना खाने आए, ना जेब खर्ची लेने। बस यार आमना, मैं बहुत बुरी तरह फंसा हूँ। इस तरह थोड़ी होता है, तुमने तो हर बात को इजी ले लिया है। अरे मैंने कुछ इजी नहीं लिया यार, अब हो जाती मजबूरी, समझा करो। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि लड़की के घर वाले शादी के मामले में कितने हसास होते हैं? मैं सब समझता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं आमना। अब तुम सिर्फ आते हो, कुछ खाते पीते हो या सिर्फ पैसे लेके चले जाते हो? अच्छा, ताना दे रही हो मुझे? ताना नहीं दे रही, अब जब आना हो तो अपने घर वालों को लेकर ही आना। आमना कैसी बातें कर रही है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो इजान, मैं चाहती हूँ अब जब तुम आओ तो कुछ इंतजाम करके आना। मुझे तुम्हें खाना खिलाना महंगा नहीं पड़ा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये खाना मैं तुम्हें तुम्हारे घर में बना के अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊं। बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी ये शिकायत जल्द ही दूर करने वाला हूँ। देखती हूँ ये वादा कब पूरा करते हो। आइए आइए सरफराज साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शेफ रखिए प्लीज। थैंक यू। और सुनाइए, सब ठीक ठाक हैं? जी सर, खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाइए, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक बेटा। खैर मुबारक। अरे भाई जल्दी से अनीला को बुला दें आप लोग प्लीज। अनीला बेटा इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अदील के इंतखाब की दाद देनी पड़ेगी। शुक्र है अल्लाह का कि उसने ये दिन दिखाया। आपकी तारीफ। ये अनिला के वालिद हैं। वालिद? तो आप? मैं भी वालिद हूं। क्या मतलब है दो दो वालिद? अलेश, अब पापा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दो दो वालिद कैसे? असल में अनिला की पैदाइश पर इसकी वालदा का इंतकाल हो गया था। डॉक्टर साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं, इन्होंने अनिला को गोद ले लिया और इसकी परवरिश डॉक्टर साहब ने की। मैं तो यहाँ गाये बगाये आता रहता हूँ, असल तो यही इसके वालदैन है। अच्छा, अब अगर मजीद कोई और बात है तो प्लीज वो भी बता दें। कहाँ खो गए हो यार, ऐसी क्या परेशानी है? कुछ नहीं अंकल। अगर अपना समझते हो तो शेयर कर सकते हो। आपसे क्या छुपाना अंकल, मुझे उस शख्स की तलाश है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये तो शुक्र है मैं जेल से निकल आया, वरना वरना मैं सुन रहा हूँ बोलो। वरना आज भी मैं सलाखों के पीछे होता। वक्त ने बहुत बुरा किया मेरे साथ। देखो वक्त हमारे साथ अच्छा या बुरा नहीं करता, हम अपनी गलतियां कोताहियां
वक्त के कांधों पर रख देते हैं। हाँ, लेकिन ये सही है कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ कुछ अच्छा नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं, मगर इस गलत को ही तो सही करके दिखाना है। क्या मतलब? जो कुछ मेरे साथ हुआ और जिसने किया, अब उनके साथ गलत होने का वक्त है। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। देखो, बदला जो है वो एक नेगेटिव एनर्जी है, और अगर तुम इंतकाम लेना ही चाहते हो ना, तो माफ कर दो। फोकस ऑन योर लाइफ, योर फ्यूचर, योर यंग मैन। आप ठीक कह रहे हो। तुम एक बार माफ करके देखो, सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अरे बाबा, हम आ रही हूँ, बस पहुंच गई। अलिश, अच्छा मैं कॉल बैक करती हूँ। ओके बाय। अलिश, ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आज तुम्हारे हबी की कॉल आई थी। ओह माय गॉड, उसने तुम्हें भी फोन कर दिया? तो क्या नहीं करना चाहिए था? और क्या कहा उसने? वही जो तुमने मुझसे और डैड से छुपाया है। आदिल, this is my private life and to be honest it's none of your business. अलिश, ये कहकर तुम अपनी जान नहीं छुड़ा सकती। अच्छा तो फिर बोलो। तो फिर ये किस बात की नौबत ही क्यों आई है? ये बात तुमने उससे क्यों नहीं पूछी? तुमने उससे क्यों नहीं पूछा कि उसने बेवफाई क्यों की मेरे साथ? अलिश प्लीज, वहां ये सब कुछ चलता है, इट्स वेरी नॉर्मल यार। लेकिन हम वहां के लोग नहीं हैं और ये हमारे बीच में नहीं चलता। और तो तुम मुझसे और डैड से शेयर करती, हम कोई ना कोई हल निकाल लेते। आदिल, इसका हल मैंने सोच लिया है। अलिश प्लीज, बेवकूफी मत करो। मैं जानता हूं तुमने कोई ना कोई अहमकाना फैसला किया होगा। देखो, मुझे तुम्हारी और पापा की कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। ये मेरा निजी मामला है एंड प्लीज इसमें आप लोग ना इंटरफेयर करें तो बेहतर है। मैं जानता हूं तुमने कोई ना कोई बेवकूफी की बात सोची होगी। रियली आई डोंट नीड योर हेल्प। अलिश, अलिश प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। या ओके, इट्स लेट हो रहा है। अलिश मेरी बात सुनो। अलिश, पापा से बात करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। Thank you.